दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को भारत का सबसे महान खिलाड़ी और बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टूटा है करोड़ों भारतीयों का दिल तो राहुल पर फूट पड़ा गुस्साए फैंस का कहर। एडिलेड स्टेडियम के बाहर बौखलाए फैंस ने उन्हें भारत की हार का गुनहगार मानते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसने जेंटलमैन खेल कहलाने वाले क्रिकेट को बदनाम कर दिया। तो आखिर राहुल के साथ ऐसा क्या दुर्घटना हो गई है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि केएल राहुल और रोहित शर्मा में कौन है भारत की हार का सबसे बड़ा विलन, कमेंट करके बताइए। दोस्तों, पूरा भारत रो रहा है। शर्मनाक शिकस्त पर कप्तान रोहित की आंखों में आंसू थे। कोहली अपनी कैप से मुंह छुपाकर अपना दर्द नहीं जताना चाहते थे। राहुल द्रविड़ का चेहरा उतरा हुआ था। पूरे भारत में मातम मनाया जा रहा है क्योंकि जख्म इतना गहरा है कि मजबूत से मजबूत दिल वाले इंसान की भी आंखें नम हो गई। और हो भी क्यों ना, करोड़ों भारतीयों का सपना जो चकनाचूर हुआ है। अंग्रेजों ने एक बार फिर से भारतीयों को पीटा है, लेकिन इंग्लैंड की टीम हमारी हार की गुनहगार नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय टीम के लिए सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं उप कप्तान केएल राहुल, जिनका बल्ला पूरे विश्व कप में फ्लॉप साबित हुआ और अब तक वो 100 रन से भी ज्यादा बनाने में नाकाम रहे। और वो कौन है? भारतीय टीम के मुख्य बल्लेबाज, ओपनिंग बल्लेबाज हैं, जो भारतीय टीम की नाकामी की सबसे बड़ी वजह रही है। ऐसा हर कोई मान रहा है, हर एक भारतीय उनसे खफा है और उन्हें इंटरनेट पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें ताने मारे जा रहे हैं, जो लाजमी भी है। लेकिन दोस्तों, गुस्से से बौखलाए और टूटा दिल लिए हुए भारतीय फैंस केएल राहुल के साथ कुछ ऐसा कर देंगे ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। जी हां, भारतीय टीम को मिली शर्मनाक शिकस्त तो स्टेडियम में ही उनका जमकर विरोध किया जाने लगा। लेकिन फैंस के गुस्से का शिकार, यानी कि सबसे बड़ा शिकार बने राहुल। सूत्रों से ये खबर निकल कर आ रही है कि स्टेडियम के बाद जब राहुल भारतीय स्टेडियम के साथ होटल जाने के लिए रवाना हुए तो उस वक्त वहां हजारों की संख्या में गुस्से से भरे हुए भारतीय फैंस मौजूद थे, जिन्होंने भारतीय टीम को देखते ही जमकर नारे लगाने शुरू कर दिए और वहीं पर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर उनकी बेइज्जती करने लगे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, केएल राहुल पर फैंस सबसे ज्यादा गुस्सा थे और सिक्योरिटी तोड़कर राहुल के पास जाने की कोशिश भी कर रहे थे। उन्होंने राहुल को जमकर निशाना बनाया, उन्हें जमकर गालियां दी और पूरे भारतीय टीम फैंस का ये बर्ताव देखकर हैरान थी। आनन-फानन में सिक्योरिटी को डबल किया गया। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि बात हाथ से निकल सकती है और राहुल फैंस के हत्थे चढ़ सकते हैं। उनका गुस्सा देखने लायक था। सैकड़ों की संख्या में पुलिस होने के बावजूद वो फैंस को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहे थे। लेकिन केएल राहुल हजारों लोगों के सामने शर्मसार हो गए थे। उनके साथ हुई इस घटना ने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया, क्योंकि फैंस का गुस्सा उन पर केवल टूटा नहीं बल्कि फैंस ने उन्हें इतना बुरा भला कहा है कि हम आपको इस वीडियो में दिखा भी नहीं सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या राहुल भारतीय टीम की हार के सबसे बड़े कारण थे? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।